हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं वाइट सॉस पास्ता। तो वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए हमें क्या क्या तैयारियां करनी है, क्या क्या सामान लेना है देख लीजिए। वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई में पानी बॉयल होने के लिए रखा है और इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून ऑयल। अगर आप ऑलिव ऑयल डालना चाहते हैं तो ऑलिव ऑयल डालना, और इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। पानी को बॉयल होने देंगे और हमने लिया है ये 2 कप हमारा पेने पास्ता है। पानी बॉयल्ड हो जाएगा तो इसमें हम पास्ता बॉयल्ड होने के लिए डाल देंगे। जो पानी है ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया, अब इसमें हम पास्ता डाल देंगे उबलने के लिए। पास्ता हम 5 से 6 मिनट बॉयल करेंगे, उसके बाद इसे छन्नी में छान के ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। पास्ता बॉयल्ड हो गया, इसे हम छन्नी से छान के ऊपर से ठंडा पानी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, हल्का सा कच्चा पानी रखना है, बाकी तो ये वाइट सॉस में भी हल्का सा कुक हो जाएगा। ज़्यादा ओवर कुक हो जाएगा तो ये पास्ता चिपकने लगता है। अब इसे हम छान लेते हैं। पास्ता का सारा पानी हमने छान के बॉल में निकाल लिया है और इसके ऊपर हल्का सा हमने ऑयल लगाया है ताकि पास्ता चिपकने ना पाए। एक पैन हमने चढ़ाया है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और ये हमने गार्लिक को बहुत महीन महीन चॉप करके रखा है। 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें गार्लिक। गार्लिक का हल्का हल्का कलर चेंज होने लगा है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप कटा हुआ अनियन। कलर नहीं चेंज होने देना है हमें, बस हल्का सा सॉटे करना है। फिर इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप कटी हुई बीन्स, 1/4 कप कटी हुई शिमला मिर्च, 1/4 कप इसमें डालेंगे गाजर। गाजर को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया हमने और इन सबको थोड़ी देर के लिए सॉटे करेंगे। एक मिनट तक हमने सब्जियों को फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च। गैस को स्लो रखेंगे, हाई नहीं रखना है। 1/2 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च या चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा मिक्स हर्ब्स। इन सबको डाल के मिक्स चला देंगे। सब्जियों को बहुत ज़्यादा हमें गलाना नहीं है, क्रंची क्रंची रखना है। और इसमें हम डाल देंगे ये कॉर्न, ये हमारे फ्रोजन कॉर्न है। अगर आपके कॉर्न फ्रोजन नहीं है तो आप उन्हें बॉयल कर लें और इसको भी मिक्स कर देंगे। बस 30 सेकेंड इसे और सॉटे करेंगे और इसकी गैस ऑफ कर देंगे। बस ये सब्जी हमारी हो गई, इसकी गैस बंद कर देंगे। अब एक हम कढ़ाई चढ़ाएंगे, इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून बटर। बटर को धीमी आंच पे मेल्ट करेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं रखना। अगर हाई फ्लेम पे रखेंगे तो बटर जलने लगता है। बटर हमारा मेल्ट होने लगा, इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून मैदा। 2 टेबल स्पून बटर हमने लिया है, इसमें 2 टेबल स्पून ही मैदा डालेंगे और गैस की आंच को कम रखते हुए इसे भून लेंगे। लगातार चलाते हुए इसे भून लेना है। इसका देखिए कलर चेंज होने लगा है, ये पेल कलर में एकदम हो गया है और इसमें बहुत अच्छी से खुशबू भी आ रही है। मैदा बटर में बहुत अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम धीरे धीरे करके डाल देंगे दूध। आप चाहे तो इस पॉइंट पे गैस की फ्लेम को बंद कर सकते हैं, वरना तो फिर गाँठे पड़ने लगते हैं। इसमें धीरे धीरे करके हम 2 कप दूध डाल देंगे और मिक्स करते जाएंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीरे रखना है, नहीं तो फिर इसमें गाँठे पड़ जाएंगे सारे। गैस को स्लो रखेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। और इस टाइम हम डाल देंगे इसमें 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ओरिगेनो या मिक्स हर्ब्स भी डाल सकते हैं आप इसमें, और 1/4 टीस्पून काली मिर्च, और इसे गाढ़ा होने तक मिक्स करेंगे।
लगातार चलाते रहेंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। ये वाइट सॉस हमारा गाढ़ा होने लगा है, ये इसकी एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए हम एक इसमें स्पून डालेंगे और ये स्पून पीछे से पूरी तरह से कोट हो जाता है, तो ये समझ लें कि ये बिल्कुल परफेक्ट सॉस बना है। अब इसमें जो हमने फ्राई की हुई सब्जियां रखी थी वो सब डाल देंगे। और साथ ही साथ इसमें बॉइल्ड पास्ता भी डाल देंगे। पास्ता और सब्जियां सब चीजें इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। और इसकी कंसिस्टेंसी अगर आप थोड़ा पतला करना चाहते हैं तो दूध या पानी डाल के थोड़ा ऐसे आप पतला कर सकते हैं। इसमें हमने मिला दिया है आधा कप से ज़्यादा दूध। अब हम डाल देंगे चीज़, ये हमारी मोज़रेला चीज़ है, ये इसी में डाल देंगे। तो ये लीजिए, झटपट से तैयार है हमारा क्रीमी चीज़ी वाइट सॉस पास्ता। देखिए लग रहा है ना कितना ज़बरदस्त सा चीज़ी पास्ता। तो ये लीजिए तैयार है हमारा वाइट सॉस क्रीमी पास्ता। तो इसे हम सर्व कर लेते हैं। गैस को हमने कर दिया है बंद और इसका हो गया डिश आउट करने का टाइम। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।